भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी इसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो को ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, अटल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। भारत के लिए उनके योगदान अमिट हैं। उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इसे शेयर वीडियो में पीएम मोदी ने अपनी आवाज में अटल जी को श्रद्धांजलि दी। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण, शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, अग्रिम पंक्ति में उनका नाम। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज भाजपा देश भर में सभी बूथों पर अटल जयंती को व्यापक स्तर पर मना रही है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की कविताओं पर आधारित काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।